बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद अब राकेश बापट ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। शमिता के लिए घर के अंदर गए, जब वो निकले तो शमिता फूट फूट कर रोई और कहा एक बार फिर भाग गया। तो एक बात तो तय है कि लोगों को ऐसा लगा कि दोनों के बीच में क्या किसी तरह की अनबन है। अब राकेश बापट काम पर वापसी कर रहे हैं लेकिन बिग बॉस में नहीं, और इस बात को उन्होंने खुद कबूला है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये साफ कहा कि बिग बॉस OTT के बाद ही मेकर्स चाहते थे कि मैं बिग बॉस 15 का हिस्सा बनूं, लेकिन मेरे बहुत सारे वर्क कमिटमेंट थे जिसकी वजह से मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाया। फैंस मुझे लगातार मैसेजेस भेज रहे थे कि वो मुझे घर के अंदर देखना चाहते हैं, मैं चला भी गया, लेकिन क्या करूं, मेरी जो हेल्थ है उसने मेरा साथ नहीं दिया। आज से 5 साल पहले इसी तरह का किडनी स्टोन जो है मुझे हुआ था और मैं तुरंत टेस्ट के लिए गया था। अभी भी पेट में थोड़ा बहुत जलन है, लेकिन मुझे रेगुलर टेस्ट कराने पड़ते हैं और मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आगे वो कहते हैं कि मैं काम पर वापसी कर सकता हूँ लेकिन बिग बॉस नहीं, क्योंकि बिग बॉस जो है 24/7 आपसे डिमांड करता है और वहाँ पे हेल्थ का ध्यान रखना जाहिर सी बात है कैसे पॉसिबल है ना। वो आगे कहते हैं कि मैं अपने कुछ और पेंडिंग शूट्स जो हैं कंप्लीट कर रहा हूँ और मेरे प्रोड्यूसर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो इस पूरे प्रोसेस को जानते हैं और मुझे वैसा काम नहीं दे रहे कि मेरे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। उनसे कहा गया कि आप आए और शमिता रोई तो उन्होंने बोला मुझे मालूम है कि वो भी बाहर आई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द घर में वापसी करे और मुझे इस बात का यकीन है कि शमिता में वो बात है कि वो हाथ में ट्रॉफी लेकर आए। तो ये बात राकेश ने कही है, तो एक बात तो तय है कि वो चाहते हैं कि शमिता ट्रॉफी लेकर ही घर लौटे। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा।